जिले में अवैध कब्जा कर जमीन हत्याने वालों के हौसले बुलंद। दबंगों ने कब्रिस्तान के मुख्य मार्ग पर किया कब्जा और करने लगे अवैध निर्माण। मुतवल्ली की गैर हाजिरी में हो रहा ताबड़तोड़ निर्माण कार्य, प्रशासन को जानकारी होने पर भी अधिकारी मौन। जिले में उड़ाई जा रही मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य का ये पहला मामला नहीं है। जिले में अधिकतर कब्रिस्तान अवैध कब्जेदारों के मकड़जाल से घिरे हुए हैं। वहीं एक और कब्रिस्तान में कब्रिस्तान के मुतवल्ली के बाहर जाने के बाद ताबड़तोड़ निर्माण कार्य कर कब्जा कर किया जा रहा है और जिला प्रशासन को जानकारी होते हुए भी मौन है। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जमीनों पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनों पर अवैध कब्जों पर नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परंतु जनपद फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री के आदेशों को ताक पर रखकर कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है और प्रशासन मौन है। आपको बताते चलें कि कब्रिस्तान की कमेटी द्वारा जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि बफ कब्रिस्तान नवदिया स्थित शांतिनगर के पीछे है और लखनऊ बफ बोर्ड में दर्ज है। इस बफ कब्रिस्तान की 11 सदस्य कमेटी सुन्नी सेंट्रल बफ बोर्ड में दर्ज है को मोहल्ले के दबंग लोग कब्रिस्तान की रास्ता जो पुलिया के सामने है को गुंडागर्दी के दम पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। प्रार्थना पत्र में ये भी दर्शाया गया है कि इस मामले की सूचना पूर्व में डायल 100 के माध्यम से पुलिस और शहर कोतवाली को भी दी गई थी और कोतवाली पुलिस ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य भी बंद करवा दिया था, परंतु उक्त दबंग पुनः जल्दी जल्दी निर्माण कार्य कराने में जुट गए हैं जिन्हें किसी का खौफ नहीं। आपको ये भी बताते चलें कि उक्त बफ कब्रिस्तान के मुतबल्ली रिजवान ताज अपने परिजन का इलाज कराने जनपद से बाहर गए हैं और इसी का फायदा उठाकर उक्त दबंग लोग जल्द से जल्द निर्माण कार्य करा रहे हैं। मामले की जानकारी होने पर उक्त कब्रिस्तान के मुतवल्ली रिजवान ताज ने व्हाट्सएप द्वारा वीडियो भेजकर बताया। जैसा कि टेलीफोन सूचनाएं और पत्रकार साथियों के टेलीफोन कॉल से जानकारी हुई कि फतेहगढ़ नवदिया 367 बफ कब्रिस्तान के गेट के सामने कुछ अराजक तत्वों ने दीवार उठा के रास्ता बंद कर दिया, जो कि कदीमी रास्ता है, पुलिया से होकर सीधा कब्रिस्तान में जाता है, उसी रास्ते से जनाजे और मैयतें जाती हैं। कुछ हिस्से में हमारे वाल्मीकि समाज का भी कब्रिस्तान है और मुस्लिम समाज का भी। मैं पिछले 15 दिन से दिल्ली में एम्स में छोटे भाई का इलाज करा रहा हूँ। सीख फतेहगढ़ पहुँच के मामले को देखेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मुझको जानकारी हुई, टेलीफोन से भी अवगत कराया लोगों ने, यूपी 76 के माध्यम से जिला इंतजामिया से मैं पुरजोर मांग करता हूं कि अति शीघ्र अगर गेट के सामने कोई दीवार बनी है तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य करें जिससे कि लाइन आर्डर में मेंटेन बना रहे। शुक्रिया।